सभी मित्रों को, साथियों को नमस्कार, जय माता दी। आज कुछ गुरु महाराज की कृपा से कुछ टिप्स, कुछ प्रयोगों के, छोटे छोटे प्रयोगों के बारे में जान लेते हैं। धनवंतरी भगवान की कृपा से आज कुछ मन में ऐसा आया कि आप सब लोगों के साथ शेयर करें, उस हेतु में आज आप लोगों से यह बात बताता हूं। सबसे पहले क्या है कि आर्थिक युग चल रहा है, इसमें धन की आवश्यकता बहुत ही अधिक रहती है। घर से निकलते हैं तो अपने को कदम कदम पर, पग पग पर धन की आवश्यकता पड़ती है। अतः धन से संबंधित, धन प्राप्ति के साधन, इससे संबंधित कुछ टिप्स, कुछ प्रयोग, सरल प्रयोग आप लोगों को बताते हैं, वह भी गुरु महाराज और माता जी की कृपा से। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मार्जर, मार्जर यानी बिल्ली, बिल्ली की जेर जिसको जड़ भी बोलते हैं, यदि यह आपको किसी प्रकार प्राप्त हो जाए, शुभ मुहूर्त में इसको लाकर आप अपने घर लेकर आइएगा और शुभ मुहूर्त में हल्दी के चूर्ण में उसको लगाकर और अपने जहां पर गल्ला है, जहां पर आप धन इत्यादि रखते हैं, उस स्थान पर रखेंगे विधिवत, विधि विधान से पूजा करके। तो ये दावा है, ये पूर्णतः सत्य है। इसमें भगवान की ईश्वरीय प्रदत्त वह क्षमता है कि आपको धन की अकूट वर्षा होगी। अकूट शब्द समझते हैं आप? तो उस देवी गुण के कारण बिल्ली की उस जेर जड़ में वह शक्ति है, सामर्थ्यता है कि आपके घर वह धन की अकूट वर्षा करवा देती है। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार से अच्छा, बिल्ली की यह एक प्राकृतिक भगवान की ही देन है कि बिल्ली अपने बच्चे को जन्म लेकर, जन्म देकर और अपनी जड़ को स्वयं खा जाती है। उसको प्राप्त करना कोई सरल बात नहीं है, लेकिन आप प्रयास करें, किसी प्रकार भगवान की कृपा हो जाए, गुरु महाराज की, वह जड़ जेर आप प्राप्त करें और किसी ब्राह्मण पंडित योग्य के सानिध्य में उसमें, उससे पूजा करवाकर वह अपने गल्ले पर, गल्ले में धन के स्थान पर, अपने घर पूजन के स्थान पर आप रखेंगे तो आप देखिए स्वयं बहुत जल्दी चारों तरफ से आपके धन आगमन होना शुरू हो जाएगा। यह पूर्णतः सत्य बात है। दूसरी क्रिया मैं आपको बताता हूं कि मयूर पंख, मोर पंख को जो अपने आप मृत हुआ हो, मारकर किसी भी जीव से कोई चीज प्राप्त नहीं करना, जो स्वयं प्राकृतिक मृत्यु जिसकी हो गई हो, उसकी कलगी, सिर पर कलगी रहती है, या मयूर पंख को आप शुभ मुहूर्त में नक्षत्रों के अनुसार लेकर आए तो आपको वह सम्मान, विद्या में विद्या की प्राप्ति, सरस्वती माता की कृपा और मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला प्रयोग होगा। शुभ मुहूर्त का मतलब यह है कि आप रवि पुख्य नक्षत्र हो, गुरु पुख्य नक्षत्र हो, इन नक्षत्रों में आप लेकर आइएगा, वह कार्य आपका सिद्ध होगा। ये हो गया मयूर पंख का प्रयोग। अब तीसरा और एक बहुत सरल प्रयोग मैं आपको बताता हूं, निर्गुंडी, निर्गुण, इसको भी आप, और विधिवत, विधिवत विधि विधान का मतलब होता है जो उसमें क्रियाएं प्रक्रिया लगती हैं अपने को, जैसे किसी को अपन लेने जाए या किसी को बुलाते हैं तो अपन उसको आमंत्रित करते हैं शादी विवाह के लिए, किसी उत्सव के लिए अपन किसी व्यक्ति, अपने रिश्तेदार को बुलाने जाए या पत्र द्वारा, तो
उसको सम्मान पूर्वक अपन आमंत्रित करते हैं तब वो आते हैं। इसी प्रकार यह दिव्य वनस्पतियां भी सम्मान देकर बुलाकर लेके आएंगे तो वह कार्य निश्चित रूप से भगवान की कृपा से, धन्वंतरी भगवान की कृपा से वह कार्य सिद्ध हो जाता है। यह आज भी सत्य है। तो दोस्तों, निर्गुण जिसको निर्गुंडी भी बोलते हैं, यह सुलभ है, लेकिन आप इसको रवि पुख नक्षत्र या गुरु पुख नक्षत्र में लेकर आए। रवि पुख नक्षत्र होगा तो एक दिन पहले आप जाकर शनिवार के दिन हल्दी में पीले चावल करके एक अगरबत्ती, थोड़ा सा जल कलश लोटे में लेकर जाइए, उस वृक्ष की जड़ में आप जल चढ़ाएं, पहले अगरबत्ती लगाएं, संभव हो सके तो एक दीपक लगाएं और वो पीले चावल डालकर आप उनसे निवेदन करें कि हे दिव्य वनस्पति, मैं भगवान धन्वंतरी की कृपा से आपको इस कार्य के लिए लेने आऊंगा, आप मेरे साथ वह कार्य सिद्ध करने के लिए चलेंगी। ये कहकर पीले चावल डालें और दूसरे दिन कोई आपको देखे नहीं, कोई आपको टोके नहीं, उसका पंचांग जड़ है, छाल है, पत्ते हैं, फूल है, फल है, इस प्रकार ये सब आप लेकर आइएगा और जहां तक संभव हो तो जड़ प्राप्त हो जाए आपको तो आप वो लेकर आए। और रवि पुख्य और गुरु पुख्य नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो वह जड़ लेकर आए, पीले कपड़े में आप रखें, उसके साथ सरसों की, पीली सरसों के साथ एक चांदी का सिक्का रखें। यदि चांदी का सिक्का ना हो तो जो भी प्रचलित मुद्रा है उसमें से एक सिक्का, एक लौंग, इलायची रखकर उस पीले कपड़े में एक छोटी सी पोटली बना लें। उस पोटली में वह बांधकर आप अपने पूजन स्थल पर रखें, गल्ले में रखें, जहां पर आप धन इत्यादि रखते हैं वहां रखें। आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आपको धन प्राप्ति होने के साधन सुलभ होते जाते हैं। यह स्वयं सिद्ध प्रयोग है। तो दोस्तों, नक्षत्रों के अनुसार यह कार्य आप करें, यह निश्चित रूप से सफल होगा। चौथा और मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार कोई रोग हो, कोई महामारी इत्यादि हो गई हो शहर में, प्रदेश में, अपने मोहल्ले में, तो उसको दूर करने के लिए एक बहुत ही सटीक और सिद्ध प्रयोग है, टिप्स है, इसको तांत्रिक भाषा में लोग टोटका भी कहते हैं। किसी शुभ मुहूर्त में एक भेड़ लेकर आइए आप, यदि एक रंग काली भेड़ हो तो बहुत ही अच्छा है, उसको आप विधिवत स्नान करवाएं, उसका विधि विधान से पूजन करें, उसको सिंदूर का तिलक लगाइएगा, तो ये जो पूजा है, और फिर उसको देवी जी के नाम से, माता काली के नाम से किसी निर्जन स्थान में, जंगल में उसको ससम्मान छोड़ दीजिएगा। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में वह रोग, वह महामारी भी खत्म हो चुकी होती है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय माता महाकाली।